स्टूडेंट, ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, बहुत सारी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। लेकिन हम लोग एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर ले रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये जो है ये ट्रांजिस्टर है, बहुत छोटी डिवाइस होती है और इसमें यहाँ पे जो है ये थ्री टर्मिनल है। इन तीन टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को हम लोगों को कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि जितने भी सर्किट होते हैं वो टू टर्मिनल रहते हैं, डिवाइस वगैरह कुछ भी हो। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर एरो की मार्किंग करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रांजिस्टर बनाया है, अब एनपीएन पीएनपी डिसाइड होता है यहाँ पे एक एरो की मार्किंग से, क्योंकि हम लोगों ने यूज किया है पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका मीनिंग है कि एमिटर जो है वो पी टाइप है, बेस जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है, कलेक्टर जो बना है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना है। तो उस केस में हम लोगों को पता है कि पीएन जंक्शन डायोड अगर है तो पीएन जंक्शन डायोड में करंट ऑलवेज फ्लो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर से लेके एन टाइप सेमीकंडक्टर में, मतलब यहाँ पी से लेके कहाँ पे जाएगा, करंट एन पे जाएगा। तो ये सिंबल हो चुका है एक्चुअली पी एन पी ट्रांजिस्टर का, आपको ये मार्किंग करने की जरूरत नहीं है पीएनपी, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मार्किंग किया है। अब हमको करंट और इनकी डायरेक्शन लिखना है। हमेशा याद रखिए, कोई सा भी मोड हो या कोई सा भी ट्रांजिस्टर हो, इस साइड का जो ये सर्किट होता है जिसको हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं जिस सर्किट में, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट सर्किट, और जो अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट सर्किट। और इनपुट सर्किट जो है हमेशा कौन सी बायसिंग में रखा जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। अब अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग में रखा हुआ है तो रखना है, तो उसका मतलब होता है कि ये बेस को देखें कि ये पहले बना हुआ काय का है। यहाँ पे जो भी बेस जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये जो दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसको बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आपने कनेक्ट कर दिया तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। अब जो हमारा ये वाला सर्किट है ये होता है रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में इसको रखना है तो सबसे पहले इसको कलेक्टर को देखिए, कलेक्टर काय का बना हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है मतलब इसको नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी से जोड़ना है, तो ये किस कौन सी बायसिंग में होगा, रिवर्स बायसिंग में, ये यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आउटपुट मिलता है वो हम लोगों को लोड रेजिस्टर में मिलता है। किसी किसी सर्किट में आपको यहाँ पे ये सी और यहाँ पे ये कैपेसिटर नहीं दिखेगा, तो कोई बात नहीं अगर आप नहीं बनाए, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने ये जो जिस बुक से पढ़ा है या मैं आपको बता रहा हूँ वो है के एल गॉम्बलर और गॉम्बर सॉरी और के एल गोगिया जो है राइटर है इस बुक के, और उनकी बुक से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इनपुट सिग्नल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पे जो एमिटर है वो इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता, सपोज ऊपर होता, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें, तो पॉजिटिव से फ्लो होके यहाँ पे फ्लो होके, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होके यहाँ पे आएगा, तो ये हो गई नेगेटिव टर्मिनल की सॉरी कलेक्टर करंट की डायरेक्शन। अब अगर हम लोग इस जंक्शन पे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग होता है कि यहाँ पे आने वाले सारे करंट का अगर हम लोग सम करें तो वो कितना होता है, जीरो। बट वहां पे एक साइन कन्वेंशन भी लगता है कि करंट लीविंग द जंक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, तो कलेक्टर करंट बेस करंट ये दोनों जंक्शन को छोड़ रहे हैं, इसलिए ये दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव। और एमिटर जो है, एमिटर करंट मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, इसलिए इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी, आई ई इज इक्वल टू आई ए प्लस आई सी, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं। इसका पोटेंशियल कितना होगा, जितना पोटेंशियल हम इस बैटरी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, मींस वी सी ई। लेकिन यहाँ पे एक लगा हुआ है लॉड रेजिस्टर RL, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है कि अगर कोई लॉड रेजिस्टर है और उसमें करंट फ्लो होता है तो वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आई देन आर, आर मीन्स लॉड रेजिस्टर और आई मीन्स करंट थ्रू दी, और पोटेंशियल ड्रॉप के लिए यहाँ पे आ जाएगा सी। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। हमारे लिए ये इक्वेशन बहुत काम की है,
जब भी आप कोई सा भी एम्पलीफायर पढ़ रहे हो आपको ये इक्वेशन डिराइव करना पड़ती है। चलिए अब देखते हैं इसकी वर्किंग। यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है, लोड रेजिस्टर पे हम लोगों को आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल में दो साइकिल होती है, पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आई मीन्स कि ये जो बेस जो था ये क्या था, नेगेटिव, और साइकिल कौन सी है, पॉजिटिव, मतलब बेस का जो नेगेटिव पोटेंशियल था नाउ रिड्यूसेस, मींस बेस बिकम्स लेस नेगेटिव। अब बेस लेस नेगेटिव हो गया है, एमिटर जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ होल्स हैं ज्यादा। तो ये होल अब यहाँ पे जो मूव करेंगे उनका नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कम होल मूव करेंगे टुवर्ड्स दी बेस। तो उस केस में एमिटर का जो करंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, मतलब एमिटर करंट डिक्रीजेस। अब जब यहां से जाने वाले नंबर ऑफ होल्स, इसको पास करने वाले नंबर ऑफ होल्स कम है, तो कलेक्टर में भी पहुंचने वाले नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और यहाँ पे पहुंचने वाले नंबर ऑफ होल्स कम हो जाएंगे, मीन्स कलेक्टर करंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीजेस। सीधा सीधा सा ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कलेक्टर करंट अगर बढ़ेगा तो एमिटर करंट भी बढ़ेगा, एमिटर करंट डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब चलिए इस इक्वेशन को अगर देखें, बीसी हम लोगों को हर केस में इसका पोटेंशियल निकालना है कलेक्टर का, तो बीसी जितना पोटेंशियल अप्लाई किया उतना होगा, ये तो फिक्स होता है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। लोड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। अब सिर्फ एक है कलेक्टर करंट, अगर कलेक्टर करंट में वेरिएशन होता है तो कलेक्टर पोटेंशियल भी क्या होगा, वेरी होगा। और अभी आपने देखा कि कलेक्टर करंट जो है वो क्या होना है, डिक्रीज होना है। ये अगर डिक्रीज होगा तो देखिए नेगेटिव साइन है, उसका उल्टा काम कहाँ पे होगा, कलेक्टर पोटेंशियल में होगा। मतलब कि अगर ये कलेक्टर करंट डिक्रीज हो रहा है अभी के केस में, तो बीसी मींस कलेक्टर पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब कलेक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो देखिए कलेक्टर जो है वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मींस कलेक्टर नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि यहाँ पे आउटपुट में हम लोगों को एम्पलीफाइड नेगेटिव पोटेंशियल मिलता है। दिस वॉज द नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर आप बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, सॉरी दिस वॉज द पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब अगर बात करें नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल बेस भी क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, बेस बिकम्स मोर नेगेटिव। अब ये मोर नेगेटिव हो चुका है तो देखिए एमिटर करंट भी क्या हो जाएगा, मोर, मतलब आईई इंक्रीजेस। ये आप सिमिलर करके इन पूरी चीजों को स्किप करके सीधा सा कलेक्टर पे जा सकते हैं, आईई इंक्रीज हो जाएगा तो कलेक्टर करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड बीसी जो है ये इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बीसी डिक्रीजेस, क्योंकि कलेक्टर जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे आउटपुट में हम लोगों को एक पॉजिटिव साइकिल मिलती है, वो भी एम्पलीफायर। इस तरीके से अगर आप देखें तो इनपुट में पॉजिटिव के टाइम पे आपको मिल रही है नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव के इनपुट के टाइम पे आपको मिल रही है पॉजिटिव साइकिल। इसका मतलब ये है कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, अगर डायग्राम आप बना रहे हैं और अगर आप सिंबल इस तरीके से बनाते हैं ट्रांजिस्टर का, ये एमिटर कलेक्टर और बेस, तो आप ये गलत सर्किट बना रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि एमिटर जो है वो कलेक्टर से किसी भी तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है, एमिटर कनेक्टेड है बेस से और बेस कनेक्टेड है एमिटर से, ये इंटरमीडिएट है। तो अगर इस टाइप से आप इन दोनों लाइनों को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो गलत है, इन दोनों को आपको हमेशा थोड़ी दूर ही रखना है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।